हाय फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस सी फॉरम आज हम स्टार्ट करेंगे फिफ्टी नंबर क्वेश्चन से हम देख रहे थे इंडियन एटीन सेंचुरी एंड राइज ऑफ प्रोविंसल स्टेट्स इसमें हमने फोर्टीन क्वेश्चन तक देख लिया था आज हम फिफ्टीथ नंबर क्वेश्चन से देखेंगे इसके पहले मैं आपको बोलूंगी प्लीज फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना बोले वीडियो कैसा लगा साथ ही साथ मैं बोलूंगी कि अगर आपने जोग्राफी का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए काफी अच्छे से मैंने जोग्रफी करवाया और फिजिकल जोग्राफी खास करके वो समझने में काफी टफ होता है तो वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखिए घटना चक्र के भी कुछ पार्ट्स मैंने करवाए हुए हैं तो वो भी जाके देखें और हमारा टेलीग्राम चैनल यू पी PC, एस फोरम को भी ज्वाइन कर ले चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर क्वेश्चन से और नंबर हमारा क्वेश्चन कहते द फॉलोइंग इज अ करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द बंगाल रूलर्स तो बंगाल रूलर्स के रिगार्डिंग कौन सा जो है वो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये हमें बताना है मुर्शीद कुली खान सुजाउद्दीन सरफराज खान सुजाउद्दीन सरफराज खान।, खान अली वर्दी खान सरफराज खान, खान खन, अली वर्दी खान सुजाउद्दीन मुर्शीद कुली खान मुर्शीद कुली खान सरफराज खान अली वर्दी खान सुजाउद्दीन हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट होगा ये हमें बताना है तो बंगाल रूलर्स के रिगार्डिंग हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही होगा फर्स्ट सही होगा इसलिए क्योंकि मुर्शीद कुली खान ने स्थापित किया था बंगाल मतलब जो प्रोविंशियल बंगाल था उसको स्टार्ट किया था किसके द्वारा स्टार्ट किया इंडिपेंडेंट बंगाल जो बना था वो किसके टाइम पे बना था कुली खान के टाइम पे बना था उसके बाद बना था सुजाउद्दीन वहां उसके बाद बना था सरफराज एंड देन बना था अली वर्दी खान तो ऑप्शन नंबर हमारे ए हो जाता है करेक्ट देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी मुर्शिद कुली खान का जो पीरियड्स रहता है वो सत्रह सौ सत्रह से सत्रह सौ सत्ताईस होता है और वो फाउंडर माना जाता है इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स ऑफ बंगाल का सुजाउद्दीन का जो पीरियड रहता है वो 1727 से 1739 तक होता है और वो नवाब होता है बंगाल का और सन इन लॉ होता है किसका मुर्शिद कुली खान का सरफराज खान का जो पीरियड होता है 1739 से 1748 ये होता है और वो सक्सेसर होता है सुजाउद्दीन का ही असेंटेड द मशनद ऑफ मुर्शिदाबाद इन 1739 एंड टाइटल ऑफ विद द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हैदर जंग तो कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो टाइटल है अलाउद्दीन हैदर जंग वो किसको मिला है तो आप ध्यान में रखेंगे वो है सुजाऊ दिन को अलीवर्दी का सत्रह सो चालीस से सत्रह सो छप्पन एडी तक यहाँ उसका जो पीरियड रहता है वो सत्रह सो चालीस से सत्रह सो छप्पन होता है और वो सक्सीड करता है किसको सरफराज खान को सक्सीड करता है और उसको क्यों जाना है क्योंकि उसने लड़ा था बैटल ऑफ बर्दवान मराठा अंपायर के अगेंस्ट में और उसमें वो विक्ट्री भी हुआ था

बी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट तकावी मीन एग्रीकल्चर लोन होता था मुर्शिद खान जो है वो ग्रांट करता था तकावी किसको को जिनके पास पैसे नहीं मुर्शीदान्यू उनको डिस्ट्रेस करना था होता था और वो लैंड रेवेन्यू वो टाइम अगर वो कल्टिवेशन अच्छे से करेंगे तो वो अपने लैंड रेवेन्यू को टाइमली पे कर पाएंगे बट इस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग टू इंक्रीज इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द जमींदार एंड द पेजियंट और ये क्या करता है इकोनॉमिक प्रेशर इंक्रीज कर देता है किसके ऊपर जमींदार और पीजेंट्स के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द फॉलोइंग वाज़ फर्स्ट नवाब ऑफ अवध अवध का पहला नवाब कौन था उसका नाम क्या था यह हमें बताना है तो अवध का जो पह, जो नवाब था जो फाउंडर था वो है सादत खान सादत खान को बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं ये पहला नवाब था अवध का और इसका जो पीरियड रहता है वो सत्रह याद रखेंगे से क्या हुआ था

वो करेक्ट है करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है पहला स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि जो शाहिद खान है आपको पता है कि 1722 में वो कर देता है और 1723 से वो क्या करता है नए रेवेन्यू सिस्टम फ्रेश रेवेन्यू सिस्टम के करता है 1723 से तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है सादत खान जो है वो सक्सीड होता है अपने नहीं था खान के वो सिटी नहीं बना था ऑप्शन नंबर वन और टू जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लखनऊ जो है वो इम्पोर्टेंट सिटी बना था किसके टाइम पे अशफ उद्दौला के टाइम पे अशफ उद्दौला ना कि सादत खान सादत खान को ध्यान रखेंगे बुरहान उलमुल्क भी कहते हैं 1722 में उसने एस्टेब्लिश किया था तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाता है करेक्ट सादत खान बुरहानुद्दीन जो फ्रेश रेवेन्यू सेटल स्टार्ट करते हैं 1723 में एज ही आस्क टू इम्प्रूव द विजेंट कंडीशन विजेंट की कंडीशन वो इम्प्रूव करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं उनको ऑपरेशन से जो बड़े जमींदार्स होते हैं उनसे

सुझाव दला सपोर्टेड पेशवा ये गलत बात है सुझाव दला जो है सपोर्ट नहीं करता है पेशवा का देख लेते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट तो जो प्रोविंस ऑफ अवध होता है वो क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एन एग्जाम पेशवास टू हेल्प द मुगल एम्पायर अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली एंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सच इंटरनल रिवर्स तो तो जो मराठास होते हैं जो पेशवास होते हैं उनको हेल्प करना था किसको मुगल्स को ठीक है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सच इंटरनल रिवेल्स अहमद शाह जबकि जो बैटल हुआ था पानीपत का 1761 में अफगान फोर्स जो था किसके अंतर्गत अहमद शाह अब्दाली के अंतर्गत वो किसको सपोर्ट करता है वो सपोर्ट करता है अहमद शाह अब्दाली को मतलब अहमद शाह अब्दाली को सुजाऊ दौला जो है अफगान जो, जो रहता है अफगान रूलर जो रहता है अहमद शाह अब्दाली उसको सपोर्ट मिलता है किससे अवध का जो नवाब होता है सुधाऊला के द्वारा ठीक है और आपको बताया कि जो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है वो किसमें किसमें होता है मराठाज और अफगान के बीच में होता है ये भी आपको ध्यान रखना है और मराठा जो है वो बैडली डिफिटेड होते हैं क्योंकि मराठा का हेल्प जो है वो नहीं करते हैं कौन अवध के नवाब और वो क्या करते, है? वो करते है, हैं वो हेल्प करते हैं अफगान की ट्वेंटी और ट्वेंटीगर वाज यूज्ड फॉर तो पॉलीगर जो तो टर्म तो है वो किस लिए अर्ली मॉडर्न इंडिया में हमें बताना है पहला है काइंड ऑफ वॉरफेयर टेक्टिक इट वॉज अ टैक्स इंपोज बाईन रूलर एंड ऑफिस रिगार्डिंग के लिए जो साउथ इंडिया से थे ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट अर्ली मॉडर्न इंडिया में पॉलीगर का यूज किस लिए किया जाता था वरियर चिफ्ट और जमींदार जो साउथ इंडिया के होते थे

उसमें इनोवेटिव सक्सेस होता है और वो इंट्रोड्यूस है करते हैं नए स्किल्स ऑफ वेट्स और मेजर्स उसको इंटरेस्ट था किसमें डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड में भी इंटरेस्ट था और वो प्लांट करते हैं ट्री ऑफ लिबर्टी कहां पे श्री पटनम में और बिकेम ए मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब और वो इंस्पायर्ड होता है किस फ्रेंच रिवोल्यूशन जो कि 1789 एटी एडी में होता है उससे वो काफी इंस्पायर होता है और वो काफ़ी कुछ सीखता है फ्रेंच से मतलब कॉन्टेक्ट बढ़ाता है और अपने जो आर्मी होता है अपने इक्विपमेंट्स होता है वो यूरोपियन लाइन पर भी उनको इम्प्रूव करता है मॉडर्नाइज करते हैं टिपो ऑल्सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशहूर आर्मीट्री वॉज आर्म्ड विद मस्कट्स एंड यूरोपियन फैशन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं गिवन बिलो डिस्क्रिप्शन हिस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स तो ये जो डिस्क्रिप्शन है दिया हुआ है ये हमें बताना है कि ये किस रूलर्स के बारे में होता है अरे ही मेड एन अफ्फर्ड टू बिल्ड मॉडर्न नेवी आफ्टर 1796 एडी ही उसे टू सेट बे� डिस्क्रिप्शन है वो कौन से रूलर्स के बारे में बता रहे हैं तो इससे अगर हमें पता करना है तो एक तो आप ध्यान रखेंगे कि वो टिपू सुल्तानी था जो कहता था कि सौ दिन सिप की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए और वो अपनी नेवी को भी काफ़ी स्ट्रांग करता है हमने देखा था कि वो फ्रेंच की सहायता से अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स और आर्मीज को काफ़ी मॉडर्नाइज करके रखता है साथ ही साथ वो क्या करते हैं वो इमिस्ट्रीज को भी सेंड करता है फ्रांस टर्की ईरान और पेगो में पेगो जिसको म्यांमार और बर्मा भी कहते हैं ये आप ध्यान रखेंगे तो ये एक्चुअली बात हो रही है टीपू सुल्तान की जो कि पुत्र होता है किसका हैदर अली का और रूलर बनता है मैशूर का सेवनटीन में जब एंग्लो मैशूर वॉर में टीपू हैदर अली की मौत हो जाती है ठीक है और वो एक ग्रेट वॉरियर भी होता है उर्दू में उसने इंट्रोड्यूस किया था एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन ड्यूरिंग द ड्यूरिंग हिज रोल इन ऑर्डर टू बूस्ट फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बायलिटरल रिलेशन को अच्छा आप भी आपको पता है कि हम अपने बायोलिट्रल रिलेशन को अच्छा करने के लिए

वो रूल करता है सेवनटीन एटी टू सेवनटीन नाइनटी नाइन ईडी में और सेवनटीन नाइनटी नाइन ई में उसका डेथ हो जाता है कब फोर्थ एंग्लो बाई वॉर में और वो वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन रूलर्स टू अंडरस्टैंड द थ्रेट पोस्ड बाय फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी और वो पहला ही रूलर था जिसको ये पता चल गया था कि उसको मतलब जो फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे आई है ट्रेड करने के लिए उससे खतरा है और इसीलिए उसने क्या किया था अपनी जो आर्मीज़ थी अपनी नेवी थी उनको मॉडर्न लाइन पे इक्विप्ट किया था उसके टाइम फॉरिन ट्रेड ट्वेंटी फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे रूलर्स दिया हुआ मतलब, है और प्रोविंस यानी स्टेट दिया हुआ मतलब एज अ फाउंडर के रूप में आप कह सकते हैं मार्टिन वर्मा सवाई जय सिंह दोस्त अली सुरजमल चेन्नई आम्बेर कर्नाटिक और जाट किंगडम हमें बताना है कौन किससे रिलेटेड है तो एक्चुअली जो मार्थेंड इनकरेक्टली मैच हमें बताना है तो इनकरेक्टली मैच हमें बताना है कि वो कौन किस से रिलेटेड नहीं है तो मार्टिन वर्मा चेन्नई से रिलेटेड एक्चुअली नहीं है पहला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है मार्टिन वर्मा को कहा जाता है मेकर ऑफ ट्रवन मेकर ऑफ मॉडर्न कोर ऑप्शन नंबर हमारे ए हो जाते हैं इनकरेक्ट सवाई जय सिंह से दो स्थली कर्नाटक से और सूरज एक जाट किंगडम होते हैं बाकी सारे ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं बाकी लेकिन मारतंट वर्मा जो है वो गलत हो जाते हैं और मारतंट वर्मा को क्या कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न ट्रवन और उनको सकसीर, वो सक्सीड करते हैं किसको द्वारा राम वर्मा के द्वारा

करेज डेयरिंग और यानी वो काफी विजनरी लीडर हुआ करता था ऑर्गेनाइज करता है स्ट्रॉन्ग आर्मी को वेस्टर्न मॉडल पे तो ये भी ध्यान रखेंगे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द राजपूत रूलर सवाई जय सिंह ऑफ आम्बेर हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो वहां पे इनकरेक्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली हमें बताना है तो ही लॉ मेकर स्टेट्समैन एंड रिफॉर्मर ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर ही वॉज वेल नोन पेंटर एंड म्यूजिशियन ही रूल फोर्टी फोर इसमी नाइन टू से एडी तक हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इन करेक्ट है तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि वो एक डिस्टिंग लॉ मेकर था स्टेटमैन और रिफॉर्मर भी था इसमें कोई दो राय नहीं है ये बिल्कुल सही है उसे ने फाउंड किया था सिटी ऑफ जयपुर

मोहम्मद शाही जो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है 1773 में में किया किया गया गया था था वो किसके द्वारा तो obviously, जो साइंस ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा वही एस्ट्रोलॉजी में भी रखेगा ठीक है एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइंस तो जीज मोहम्मद शाही जो बुक लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था वो लिखा गया था सवाई जयसिंह के द्वारा जो जयपुर से बिलोंग करते ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट 1773 एडी में वो इस बुक को लिखते हैं और उनका जो ईयर रहता है पीरियड रहता है रूल करने का वो 44 फोर ईयर्स का था है सिक्सटीन से 1743 फोर्टी एडी तक तो आज के लिए इतना रहने देते हैं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे और वो और क्या करते हैं ट्रांसलेट सवाई जय सिंह क्या करते हैं इक्विट एलिमेंट्स ऑफ जियोमेट्री को ट्रांसलेट करते हैं संस्कृत में बिसाइड्स नेपियर वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ एलगोरिदम्स अब हम ट्वेंटी नाइन्थ नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे थैंक यू सो मच बाय